एक मेरी बात सुनिए, आपका सुन लिया, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने ये ट्वीट किया और फिर चाहे आप समझिए मैंने बात किया और या समझिए मैंने नहीं बात किया, योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए, उन्होंने घोषणा किया है। अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूं, मैं विश्वास करिए आपकी आवाज नीतीश जी तक पहुंचाऊंगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं तो आपको आश्वासन देता हूं कि यह आवाज मैं पीएम तक को भी बताऊंगा, यह आवाज मैं गृहमंत्री को बताऊंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर अन्याय ना हो सके। और रहा सवाल माफ करने का, तो हम तो सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है, राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने